ये गुड़िया रिंग लाइट लेके घूम रही है घर में। रिंग लाइट नहीं है वो, टिकटॉक के रील बनाने के लिए है। रील नहीं बनाती है। आ, तो अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल। कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी खुद पहाड़ के काम नहीं आती, सच ही कहते हैं। आखिरकार एक नौजवान को अपना घर परिवार दोस्त यार प्यार और अपना पहाड़ छोड़कर जाना ही पड़ता है। खैर चल पड़ा हूँ फिर से शहर की तरफ कुछ पैसे कमाने, चंद खुशियों की कीमत जो चुकानी है, तभी तो पहाड़ फिर से आ पाऊंगा अपने प्यार यार और घर बार से मिलने। बाकी गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार अभी मैं हूँ अपने गांव की रोड में और कर रहा हूँ बस का इंतजार, क्योंकि कहते हैं ना कि यार कितना भी आप घर पे रह लो एक ना एक दिन आपको घर छोड़ के जाना ही होता है। तो अभी मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है परदेश। हाँ मतलब अभी नौकरी नहीं लगी है लेकिन फिर भी परदेश जा रहा हूँ मैं, वो बात अलग है। आई होप कि लग भी जाएगी जल्दी, नौकरी करनी नहीं है वैसे, मतलब चलो जो भी है। बाकी यार अभी भी पहाड़ में हूँ तो भाई पीछे आप मौसम देख ही सकते हो, एकदम मस्त कोहरा वोहरा लगा है, ठंडा हो रखा है, स्वेटर डाल रखा है मैंने। अभी भी दिल्ली घाम लग रही लेकिन आज ऐसा है यार, कल धूप लगी थी लेकिन आज ऐसा ही हो रखा है, तो अभी तक तो मैंने स्वेटर डाल रखा है। बाकी देखते हैं कि मेरठ जाके कैसा होता है, क्योंकि सुनने में आया बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है वहाँ और कभी कभार बारिश हो रही है। तो देखते हैं यार, अब पहाड़ छोड़ के जाने हैं तो थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो यार अभी मैं पहुंचा हूँ बागेश्वर और यहाँ पर बस रुकती है भाई हमारी आधे घंटे, तो मैंने कहा यार आधा घंटा क्या किया जाए, तो यहीं पर एक मंदिर है पीछे देख रहे होगे आप, बागनाथ जी का मंदिर, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी यहाँ पर। तो मैंने कहा कि पंकज को कहा मैंने कि चल भाई घूम के आते हैं। देखो दोस्तों वहाँ से जो नदी आ रही है वो है सरयू नदी, और इस साइड से जो नदी आ रही है ये है गोमती नदी, ठीक है। तो इनका यहाँ पर संगम होता है, वो सरयू नदी, ये गोमती नदी, और यहाँ पर संगम होता है, और इसी संगम पे ना पूरा शहर बसा हुआ है। इस शहर का नाम है बागेश्वर, मैंने पहले भी ब्लॉग में अपने बता रखा है ये चीज़, और आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज़। I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम हल्द्वानी, और अभी मैं हूं भाई पंकज के यहाँ पे, पंकज रहा पीछे, अभी मैं पंकज के यहाँ पे रुक रहा हूँ। और एक बड़ी बात भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार यहाँ पे। एक तो मैंने स्वेटर नहीं खोल रखा है क्योंकि जस्ट पहुँचे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ी देर पहले शायद बारिश हो रखी थी और अभी उमस आ रही है, एकदम भपका जिसे कहते हैं ना वो हो रहा है। गलत आ गया भाई पहाड़ छोड़ के। तो ये रहे पहाड़, इधर की तरफ है भाई मेरा गाँव मेरा घर, और यहाँ पर है अभी हमें हल्द्वानी में। तो देखो ये पहाड़ रहा, और जहाँ पे पहाड़ खत्म हो जाते हैं ना ये जगह है काठगोदाम, और उसके बाद पूरा फिर शहरी इलाका शुरू हो जाता है। इधर की तरफ कोई पहाड़ नहीं, यहाँ पूरा शहर है। तो अब हम लोगों ने अपना पहाड़ छोड़ दिया, ठीक है, इतना पीछे छोड़ दिया हमने अपना पहाड़। बाकी यार अभी घर पे जस्ट पहुँचे तो हम लोग कर रहे हैं मानसिंह का वेट, क्योंकि दरवाजे पे लगा है ताला, और मानसिंह बोले तो मन्ना मेरी बहन वो गई है कॉलेज, कॉलेज गई ना वो, हाँ तो गई है कॉलेज, वो कॉलेज से आ रही है, तो अभी उसके आने में 10-15 मिनट है। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा छत पे घुमा जाए, लेकिन भाई मेरे घर की छत उधर उतनी ठंडक और यहाँ की छत
सबसे पहले तो मैं स्वेटर खोलता हूँ। रुको, ये देखो दगड़ियो, शहर में आया नहीं कि भाई पसीना शुरू हो चुका है, पसीना पसीना है। कैसा लग रहा फिर पंकज सिंह आके यहाँ पे? आना पड़ा आना पड़ा यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही ना। वो देखो दोस्तों, मन्ना आ रही है उधर से भाई, कॉलेज से साड़ी वाड़ी पहन के। मानसिंह हाय। हेलो दोस्तों, आज हमारे दादा हमारे रूम पे आए हैं और पंकज भी घर से आ गया है और दादा भी आए हैं साथ में। अमित तो लंबे हैं ना, मगर अमित तो लंबे हैं ना, मन्ना अगर ऐसे कैमरा कर रहे तो ऊपर चले जा रहे हैं। और ये अभी बना रहे हैं खाना, आज ये मैं इनके हाथ का खाना खाऊंगी। और ये बना रहे हैं, भात तो बन चुका है और इसमें बन रहा है क्या, पनीर। वो पंकज साथ रहे क्या, ये देखिए गर्मी से इसकी हालत खराब है यार। दगड़ो घर पे ना भाई, इतना अच्छा ठंडा मौसम हो रहा था और यहाँ आते देखो पंकज तो तौलिया लपेट के खड़ा हो गया और पसीने पसीना पसीना ही आ रहा है, बताओ इतनी गर्मी हो रही है एकदम, उमस जिसे कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। पिछले ब्लॉग में मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो हम लोगों ने घर में बनाई थी पूरी और लौकी चने, और आज मन्ना के यहाँ पे पहुंचे हैं मानसिंह के यहाँ पे, तो अब हम बना रहे हैं पनीर भात, चावल और पनीर। ठीक है मानसिंह, पंकज सिंह यार ये कौन सा लुक है तेरा वैसे, सूर्यवंशम वाला है भाई। ये देखो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है और इस पे पंकज के अगर फिंगरप्रिंट लगेंगे तो फिर यहाँ पे गुप्त द्वार खुलता है कहीं पे। चल ये घर पे चाची ने सामान दी रही तो मन्ना सामान करने इकट्ठे उस साइड, उधर पंकज सिंह भाई किचन में खाना बना रहा है और मैंने चावल बनाए। ठीक है मैं चावल बना चुका हूँ, प्याज छीला मैंने, बाकी का काम पंकज ने किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ भाई साथ में। कितना टाइम लगेगा सर अभी बनने में? तो सर अभी बनने में कितना टाइम लग रहा है? बस बन गया। बन गया, बना रहे जी, अभी तो ढक्कन लगा हुआ था। तो तुमने सिला दिया है? अरे कैमरा पर भाई। भाई ये है पंकज का रेंट वाला रूम और भाई यहाँ पर मैंने अभी नोटिस किया, देखो कुत्तों से सावधान, अंदर भाई एक कुत्ता है। घर के अंदर ना जर्मन शेपर्ड है, ठीक है, तो डर तो लग रहा है क्योंकि भौंक रहा है यार वो जाते ही, वो तो उन्होंने कैद में रखा है अभी, बट फिर भी ना थोड़ा डर तो लगता ही है। चल अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, ओखे खेत में घुस के ओखे ने ईख के खेत में की से ईख हो कट करो, कट 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 पार्ट टू, कट पार्ट टू। अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, ई के खेत में घुस गया शेर। फिर उल्लू की है आंखें गोल, ऊन मिलाओ गोल मटोल। फिर और एसी के ऊपर एसी पता नहीं यार, ऐनक पहने बालू आए थे इधर मालूम है, ए भी की ही ए से पता नहीं क्या था, एक सेब हमने खाया ऐनक पहने भालू आया। ओ से ओखली में कूटो, ओखली में कूटो धान, औरत थैली परी औरत देख, औरत देखो, देखो परी मां अंगूर खाता है लंगूर, हाँ किसी ने पड़ गए खजूर। देखो भाई 24 साल मैरिड हुई हो, मैं बहन मतलब ये शादीशुदा 24 साल की क्या कह रही है, और अच्छा बीएड की टीचर है इसलिए सीख रही है। मैं भी बीएड कर रही हूँ ताकि मैं आने वाले भविष्य में टीचर बन सकूं, हाँ तो इसलिए मैं भी अनार के दाने लाल लाल सीख रही। ये गुड़िया की नोड़ेला भी थे काफी। तो
तो गाइस अभी गुड़िया लाई मेरे लिए कॉफी और वो लाई इस मग में, देख रहे हो मग, देख रहे हो तुम गुड़िया का डिजाइनर मग। अपनी फोटो वोटो लगा के लेके आई है, बता रही है किसने दिया तेरे को? तब्बू ने दिया मुझे। किसने? तब्बू मेरी फ्रेंड को बुबुल तब्बूल तब्बू ने दिया मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट में। तब्बू ने बर्थडे पे? सही है। तो गाइस हम ऐसा जुगाड़ लगा रहे हैं गुड़िया की तरफ ताकि उजाला हो सके उस पे। ये गुड़िया रिंग लाइट लेके घूम रही है घर में। रिंग लाइट नहीं है वो, टिकटॉक के रील बनाने के लिए है। रील नहीं बनाती मैं। हां तो वो टेबल लाइट, टेबल लाइट है पढ़ने के लिए, वो लाइट चली जाती है ना यहां कभी कभार। अच्छा चलो सही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी मैं हूँ अपने शहर मेरठ यानी यूपी में और आज का मौसम अपडेट रहा ये। कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, कोई बादल नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कुछ नहीं, बस गर्मी गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पता नहीं मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, बस मजबूरी थी। वो कहते हैं ना कि कौन कमबख्त अपना घर छोड़ना चाहता है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, वही चल रहा अभी मेरे साथ। बाकी कोशिश करूंगा कि अगर मौसम सही हुआ तो ट्रैवल करेंगे, कहीं आपको नई नई जगह दिखाएंगे। और अगर मौसम ऐसे ही होता भाई, धूप बारिश अगर ऐसा ही होता है तो फिर छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स आएंगे, वो एंजॉय करना। और एक बार जब मौसम सही हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको भारत भ्रमण कराते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी मैं हूँ अपने यूपी अपने मेरठ अपने गुड मॉर्निंग दोस्तों तो अभी मैं हूँ मेरठ में अपने शहर में अपने यूपी में और आज का मौसम गुड मॉर्निंग दोस्तों तो अभी मैं हूँ अपने शहर मेरठ यानी यूपी यानी सॉरी गाइस सॉरी सॉरी की हुडे सॉरी अब यहाँ सो हाँ अब सो हेलो यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। सो आज हम कल ही हम घर से आए थे और ये हमारे ब्रदर प्रभात कार्की रोल नंबर 23 एंड मॉर्निंग कार्की और हम साथ ही आए थे घर से और देखते हैं कब तक रहते हैं। और अभी देखते हैं क्या बनता है, भात बनाएंगे और डेली ब्लॉगिंग कर रहा है मेरा ट्रैवल ब्लॉग, इसका डेली ब्लॉग देखो भाई, सब्सक्राइब कर लेना मॉर्निंग के चैनल को, ठीक है। इसको मत डालिए सर, इसको मत डालिए प्लीज, कट इसको कट नहीं डाल रही से। बाकी यार ये एक ऐसे ही कैजुअल ब्लॉग था जो कि मैं अपने घर से आया, मतलब उत्तराखंड से, उत्तराखंड बोले तो पिथौरागढ़ से आया और अभी मेरठ में हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ काम है, मेरे को शॉर्ट्स का चैनल चलाने हैं तो उस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके अलावा क्रिकेट खेलने हैं और कुछ बाहर की तरफ घूमते हैं क्योंकि यार ट्रैवल कॉन्टेंट बनाना है मुझे, तो कुछ सोचा है, कुछ बड़ा सोचा है, जल्दी आपके सामने रिवील करेंगे उस चीज़ को। तब तक इन्जॉय कीजिए लाइफ को, अगर आप ठंडी जगहों पर हो तो ठंडी जगह को इन्जॉय कीजिए क्योंकि गर्मी में तो भाई कुछ इन्जॉय नहीं होता है। बाकी एक लाइक एक कमेंट आपकी तरफ से और मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।